बाणी स्वामी जी महाराज शब्द स्वरूप सतगुर की शब्द पहला। तन 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 प्यारे क्या कहूँ महिमा शब्द की। तन 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 प्यारे क्या कहूँ महिमा शब्द की। ये वाणी स्वामी जी महाराज दी है। स्वामी जी महाराज किसी शौकार नु धन धन नहीं कह रहे, किसी राजे महाराजे नु धन धन नहीं कह रहे, और किसी बड़े छोटे नु नहीं धन धन कह रहे। किन्हां नु कह रहे है? शब्द नु। गुरु साहब जी शब्द की महिमा कर रहे हैं कि तन 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 प्यारे क्या कहूँ महिमा शब्द की। है प्यारे मैं शब्द की महिमा कहूँ। शब्द उच्चे तू उच्चा, बड़े तू बड़ा। शब्द ने सब कुछ बनाया, शब्द आसरे सब कुछ चल रहा है, शब्द आसरे सब कुछ खड़ा है। गुरु नानक देव जी महाराज भी शब्द की महिमा कीती है। शब्दों धरती शब्दों काश शब्दों शब्द पिया प्रकाश, सगली श्रेष्ठ शब्द के पाशे नानक शब्द घट घट आशे। गुरु साहब जी शब्द की महिमा कीती है कि शब्द एक ऐसी ताकत है जिदे आसरे जिमी आसमान खड़ा है, जिदे आसरे चंद्रमे और सूर्य चल रहे, जिदे आसरे तमाम दुनिया वो शब्द आसरे चल रहे। शब्द सब दे विच कबीर साहब जी महाराज ने भी शब्द दी महिमा कीती है। सब घट बसे मेरे साईया सुनी शेज ना कोए, बलिहार जामा बो घट में जा तू प्रगट होए। उसे शब्द दी महिमा स्वामी जी महाराज कर रहे। कबीर साहब जी फरमाया है, गुरु नानक देव जी भी शब्द दी महिमा कर रहे हैं। जिन्हां महापुरखां ने देखिया है वो शब्द नाल परचे है, शब्द की कमाई कीती है, उन्हां नूं पता है कि शब्द चीज की है, शब्द की ताकत की है। जिन्हां नूं पता नहीं, जिन्हां ने वो कोर्स नहीं किया, उन्हां नूं उस दी ताकत का भी कोई पता नहीं। तन 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 प्यारे क्या कहूँ महिमा शब्द की। जो मरते हैं शब्द में सो जाने महिमा शब्द की। साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, जो परचे हैं शब्द से। जो लफ्ज जेड़ा वो अगे कई बार दस्या है कि मुश्तरक का शब्द है, ये लफ्ज है जो दे विच हिंदू मुसलमान गरीब मीर इस्त्री पुरुष सारे आ सकते। ये नहीं पता कौन कौन शब्द की कमाई कर रहा और वो शब्द का भेद किसनों है। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि जो परचे है शब्द से
सो महिमा जाने शब्द की। अभी जो शब्द की कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्होंने पता है कि शब्द की ताकत की है। जेडे शब्द नाल परचे नहीं, जिन्हें शब्द की कमाई नहीं की, उन्होंने कोई पता नहीं, उन्होंने कोई पता नहीं कि शब्द किनू कहते। असी लफज लफजा नू शब्द लफज सारी उम्र गिनते होया कोई फर्क नहीं पैंदा। वो शब्द साढ़े अंदर है, वो रबी ज्ञान, वो लफज नहीं। हजरत बहू साहब ने भी बाणी च फरमाया है, आख ना फरके ओठ ना हले सो नवाजी थी वे हो। नवाज भी होवे, अख भी ना हले ओठ भी ना हले, ते नवाज भी होवे तुसीं दसो लफज किधर गए? लफज ते मुक गए। ओ केड़ी ताकत है कि जेड़ी बगैर ओठ हल्लिया बगैर अख फड़किया अंदर नवाज भी होवे? उसे दी महिमा स्वामी जी महाराज कर रहे, उसे नू शब्द कहंदे। वो साढ़े अंदर है, वो ला जबान है, वो किसी जबान नाल नहीं बोलिया जाता। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि जो शब्द नाल परचे है उन्होंने पता है शब्द की ताकत का, और दूसरे नू नहीं पता। हाँ जी, जो परचे हैं शब्द से सो जाने महिमा शब्द की। छिन छिन रखिया हो रही क्या उप मैं कहूँ शब्द की। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, छिन छिन रखिया हो रही मैं की उपमा कहूँ शब्द की। मैं वो शब्द की तारीफ की करा, वो छिन छिन शब्द रख्या कर रहा है। पर जेड़े उस शब्द नाल परचे हुए है, जेड़े शब्द की कमाई करते है उन्होंने, जेड़े शब्द की कमाई नहीं करते उन्होंने अगर रखे भी उन्होंने होगी, उन्होंने कोई मालूम नहीं, उन्होंने कोई पता नहीं कि साड़ी रखिया परमात्मा ने की है। कई बार दसिया कि प्रहलाद भगत जदों ओदे पिता ने तपस्या की, तपस्या दे यो नाल ये वर ले ले कि ना मैं अंदर मरा ना बाहर मरा, ते ना दिने ना राती ते ना किसे हथियार दे नाल। जदों ये वर ले ले ते आप ही रब बन गया, टनोरा फेर दिता सारे राज दे विच के मेरा नाम जपो मैं रब हाँ, जदों मैं मरना ही नहीं। सारी रिजत ने नाम जपना शुरू कर दिता। एक प्रजापता ने पट्ठी चाड़ी ही भांडिया दी, एक घड़े विच बिल्ली दे बच्चे सन, पर उन्होंने कोई याद नहीं रहा, वह भी घड़ा विचे ही पट्ठी दे चढ़ गया। तो जब उन्होंने अग ला दी फिर उन्होंने पता लगा, फिर वो परमात्मा दे अगे बेनती करते है कि हे राम जे बच्चे सड़ गए तो सानू बहुत पाप लगेगा, तू साड़ी रखिया कर। जे असी इस पट्ठी नू पुड़दे हां तो साड़ा सारा माल खराब हो जाना, हे राम साढ़े ते दया कर।
प्रहलाद कोलों दी लंघिया। प्रहलाद ने पूछा कि तुसी केड़े राम दे अगे फरियाद कर रहे हो? राम ते मेरा पिता है। उन्हें क्या, नहीं तेरा पिता जड़ा वो बनौटी राम है, वो सही राम नहीं है। सही राम जड़ा असली राम होर है। उन्होंने कहा, प्रहलाद ने कहा कि जे तुहाडे बच्चे जिंदा निकल जान तो मैनू तुसी दसना, मैं भी उसे दा नाम जपांगा, फिर मैं अपने पिता दा नाम नहीं जपांगा। जदों उन्होंने वो पट्ठी पुट्टी वो बच्चे जड़े सी उस कड़े नू सेक ही नहीं लगा, कड़े नू सेक नहीं लगा, उहदे विच वो बच्चे खेलदे सी। प्रहलाद नू यकीन हो गया कि वाकया ही वो राम होर है, मेरा पिता जड़ा बनौटी राम है। हुण देखो जी, इसका परमात्मा दे नाल पूरा प्यार हो जाए ते पूरा तुल जाए उहदे उत्ते ते वाकया ही उहदी छिण छिण रख्या हुंदी है। प्रहलाद नू मारन दी बड़ी कोशिश कीती, पिता ने एक लोक लाज जने दुनिया की मान बड़ियाई वास्ते पुत्र का मोह छड़ दिता कि मेरी मान बड़ियाई होवे, मैनू लोकी रब कहन। ते पुत्र का मोह जड़ा सी, पुत्र नू मरवाण की कोशिश की थी। ये दुनिया की मान बड़ियाई भी बहुत भैड़ी है, पर परमात्मा उस दी रखिया करदा रहा। जो बाणी दसिया छिण छिण रखिया हो रही, क्या कहूँ महिमा शब्द की। कई जगह तू उस नू गराया और मारन की कोशिश की, परमात्मा ने उस दी रखिया की। आखिर एक दिन सोचिया कि मरदा नहीं, एक लोहे का खंभा तपाया कि इस दे नाल लगा देंदे हाँ, फिर ये मर जाएगा। जद वो लोहे का खंभा देखिया प्रहलाद ने अग वर्गा, ता दिल विच कुछ बचार आ गई कि आज मेरी मौत, आज मेरी मौत आ जानी, आज मैं मर जाना। पर जद उस खंभे वाल देखिया ते एक छोटी जी कीड़ी उहदे उत्ते तुर रही थी, ते दिल च सोचदा कि कीड़ी नहीं मरी ते मैं किदां मर जावांगा। उठ के उस खंभे नू जफा मार लिया, उहदे विचों ही उह खंभा पाटा एक भयानक रूप निकलिया, जिसने अरनाशक नू फड़ लिया। दिन अंदर बार सी, जदों दिन अंदर बार होवे शाम पई होवे ते ना दिन हुंदा ना रात हुंदी है। फड़ लिया दरवाजे दे अंदर बार रख लिया, अद्धा बार अद्धा अंदर, क्योंकि जेड़े वार देते सी वह वार लैने सन, वह वार लैने भी सी। पुछया कि दिन है जां रात है, कहिंदा जी नहीं दिन ते नहीं रात, तू अंदर है कि जे बाहर है, नहीं अंदर नहीं बाहर, मेरे हाथ च कोई हथियार तो नहीं, कोई हथियार नहीं, तू बधाया ढिड पाड़ दिता, खत्म कर दिता। उते प्रहलाद ने फरमाया, जे कीड़ी ना बन दो रामा, प्रहलाद डोल जाता। ऐ राम, जे तू कीड़ी नाज बन के मेरी सहायता करदा तो मैं डोल जाना सी। बाकी जो कुछ भी संत महापुरख फरमाउंदे आ बाणी दे विच, उहनां दे तजर्बे है। छिन छिन रखिया हो रही, क्या कहूँ महिमा शब्द। असीं शब्द दी महिमा की करिए, छिन छिन रखिया हो रही।
जिन्होंने उस शब्द उस परमात्मा दे डोरियां रख लिया वाकई उन्हां दी रख्या होंदी। जो बाणी जी गुरु साहब जी फरमा रहे है वो ठीक फरमा रहे है। हाँ जी, छिन छिन रखिया हो रही क्या उपमा कहूं मैं शब्द की, बिन शब्द फिरे परमतिया नहीं जानी गत मत शब्द की। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि बिन शब्द फिरे परमतिया नहीं गत मत जानी शब्द की। भाई जी दे पास वो शब्द नहीं, वो जीव भरम विच पिया रहिंदा है, उसनू कोई शब्द का पता नहीं। शब्द की ताकत की है, शब्द की सुख की है, इस शब्द के जपिया सानू की फायदा मिलना है, उसनू कोई पता नहीं। ये उन्होंने पता है कि जेडे शब्द नाल परचे हुए है, जेडे उसकी मेहनत करते हैं, उसनू पता है कि शब्द की है और शब्द का फायदा की होना है, तो की सानू उहदे विचों सुख मिलना है। स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि जेडे शब्द नाल परचे है उन्होंने पता है शब्द है, बाकी नहीं। इस तरह हजूर कई बार बाहर की मिसाल देंदे कि भलवाना दे जोर नूं भलवान ही समझदे है, दूसरियां नूं की पता होंदा है। इस तरह जेड़ा शब्द की कमाई करता है उस नूं शब्द का पता है कि उहदी लज्जत सवाद जां उहदा सुख जां उह कितना सानूं फायदा मिलदा है उहदा। हाय, बिन शब्द फिरे परमातिया नहीं जानी गत मत शब्द की, जिन गुर पाया शब्द का और प्रीत करी जिन शब्द की। जिन लफज अगे भी दस्या है कि मुश्तरक लफज है, एदा पता नहीं कि कौन है। जिन गुर पाया शब्द का, सब तो पहला गुरु साहब जी फरमाते हैं कि जिन्हें पुरुषों ने कोई शब्द रूपी महापुरख जिसने शब्द की कमाई की, जिन्हों कोई वो महात्मा मिल गया और उन्होंने पासों शब्द लैके फिर उस शब्द नाल परीति की, प्यार किया, मुहब्बत की, दिन रात उस शब्द की मेहनत की, जिन्होंने वो मेहनत की उन्होंने पता है कि शब्द चीज की है, तो शब्द तू फायदा की मिलना है। ये उन्होंने पता है कि जिन्होंने उस शब्द नाल प्यार किया है। हाँ जी, जिन गुर पाया शब्द का और प्रीत करी जिन शब्द की, बड भागी वे जीव है जो करे कमाई शब्द की। गुरु साहब जी, असी दुनिया दे विच बहुत सारिया कमाइयां करते हैं, लेकिन बड़े भागा वाला किसनों कह रहे है जिहड़ा कोई शब्द की कमाई करता है। असी बड़े बड़े बिजनेस करते हाँ, नौकरियां करते हाँ, खेतीबाड़ी करते हाँ, बड़े बड़े असी दुनिया च काम करते हैं, पर संत उन्होंने भाग नहीं गिणते, वो बड़े भागा वाले नहीं उन्होंने गिणते, क्योंकि वो शब्द तो बिछड़ रहे हैं, उन्होंने कोई
ना सत्संग का टाइम, ना सत्संग दे विच जाण दा कोई टाइम, ना भजन सिमरन का पता है, उन्हां नूं कुछ पता नहीं। हजूर फरमाउंदे सी इहो शब्द तू विछड़ रहा है। जिस तरह बाणी च फरमाया है, कखों की चौंपड़ी भली जां हर गुणमय गाए, आग लगे बो तौल रहे या हर बसराए। गरीब भी चंगी, माड़े तू माड़ा चंगा, पाटा कपड़ा भी चंगा, पर जे नाम जपदा है, ईश्वर दा नाम जपदा है। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं, वो बड़े भागां वाले जीव ने जिहड़े शब्द की कमाई करते, जिहड़े शब्द की कमाई करते बहुत भागां वाले जीव ने। चाहे कोई इस्त्री है, पुरुष है, गरीब है, अमीर है, कोई भी है, वो बड़े उच्चे कर्म ने उसके। उसकी 84 कटी गई, जो 84 विच कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे बनना सी, वो जूना समाप्त हो गई। और एक दिन वो अपने मालक दे देश पहुंच गए, अपने मालक नाल मिल गए। कह दो समुद्र दी बूंद समुद्र चला गई, वो समुद्र बन गई, वो बूंद नहीं रही। या आत्मा परमात्मा नाल मिल गई, वो भी परमात्मा बन गई। एक दीवे दे नालों दूसरा दीवा जग गया, दोवे जग गए, दीवे रोशनी लाइट बन गई। जो गुरु साहब जी बाणी जी फरमा रहे ठीक फरमा रहे, क्योंकि उन्होंने संतान ने सब कुछ देखा, उन्हों का यह तजर्बा है। हाँ जी, बड़ भागी वे जीव है जो करे कमाई शब्द की, बिना शब्द मन बस नहीं, तुम सुरत करो अब शब्द की। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि बगैर शब्द है, अगर तुसी कहो कि साड़ा मन बस आ जाए किसी भी कर्म दे नाल, तो मन नहीं बस आएगा, मन बस नहीं आएगा। तुसी जिन्हिया मर्जी रिद्धियां सिद्धियां पैदा कर लो, दुनिया दे नेकां कर्म कर लो, लेकिन मन बस नहीं आएगा, मन बस नहीं आएगा। गुरु साहब जी फरमाउंदे ने, जे शब्द की कमाई करेगा फिर तेरा मन बस आएगा। बगैर शब्द दे मन बस आना बहुत मुश्किल है। और जिन्होंने बस किया है उन्होंने शब्द की कमाई करके, जे कोई करेगा तो वह शब्द की कमाई करके करेगा। ये गलां बातों का मजबूर नहीं है, गलां नाल नहीं पूजा जाता देश प्रीतम दे। असी गलां दे नाल जे कहिए कि उस मालक दे देश पहुँच जाइए, तो असी उस परमात्मा दे देश नहीं जा सकते। गलां नाल नहीं पतींदा नहीं राम न्याणा, वो बच्चा नहीं जिन्हों असी गलां बातों नाल पत्या लावांगे, वो परमात्मा। उसने साडा रिकॉर्ड देखना है, कर्म देखने हैं साडे, की करदा है, की कीता है, किस वास्ते गया है, की अथॉरिटी सी इस दी, और करदा की रहा है। असी एक इंसान हाँ, परमात्मा ने सानू सारिया जूना तो जितनिया भी इस लोकी विच पैदाइश है सब का एक अवसर बनाया है। तत्तां दे लिहाज नाल हर एक चीज़ दे किसी का एक तत् है, दो तत् ने, तीन तत् ने, चार तत् ने, और इस इंसान दे विच पंज तत् ने। ये सब तो बड़ा, सब तो उच्चा।
लेकिन असी अपना काम देखना है कि क्या साड़ा काम उच्चा है, कि काम साड़ा उच्चा है, सुच्चा है, चंगा है, जां किसी नूं साड़ा काम पसंद आउंदा है, कोई साड़े काम ते होर भी खुश है, कि जां मैं ही अपने काम ते खुश हाँ। कई बंदे कोई भी काम कर दो कहंदे मैं ही चंगा, नहीं उहनूं दूसरा बंदा भी चंगा कहे तद चंगा, अपने आप ते चोर भी चंगा, अपने आप ते जुआरिया भी चंगा हुंदा है, नहीं उसनूं दूसरा भी कोई चंगा कवे फिर वह चंगा है। पर जे असी चंगा काम करांगे तद असी वो अकल सीखनी है। मैं अगे भी कल भी वो लफज किया सी, सारिआं नूं दस्सिआ सी, बिल पावर स्ट्रोंग ये संतां महापुरखां ने जो लफज किया है कि उन्हां दी जिहड़ी पावर वो स्ट्रोंग हुंदी है, मजबूत हुंदी है, विचार शक्ति जिन्हां नूं किया जांदा है उन्हां दी विचार शक्ति जिहड़ी है वो मजबूत हुंदी है, वो डिगदे नहीं। जिहड़े शब्द रूपी महापुरख ने जिहड़ा शब्द अभ्यास करदे है वो जो काम करनगे विचार करके करनगे, समझ नाल करनगे, क्या जो मैं काम करांगा कि इहदे विच कोई दुखी है तो नहीं होएगा, किसी कोई ठेस से नहीं पहुंचेगी, कोई मेरे हथों दुखिया तो नहीं होएगा, या मेरी सर्विस दे विच ये भी एक इंसान की जिंदगी की सर्विस होंदी है कि क्या मेरी सर्विस दे विच कोई फर्क तो नहीं पेगा। जिस तरह कोई मुलाजम होंदा है वो अपनी सर्विस करता है, अगर वो दी सर्विस विच गलती है तो वो गलती लिखी जाती है, जे उहदी सर्विस कोई गलती नहीं उस नूं गवर्नमेंट भी मान तराण देंदी है, इज्जत करदी है, उसने उस नूं पेंशन देंदी है, और जिथे भी जाएगा किसी जगह भी चला जाए उहदी इज्जत आउंदी है। असीं ये देखना है कि साडी विचार शक्ति जिहड़ी है कि उह साड़ी सोच समझ जिहड़ी है वो साड़ी मजबूत है, असी अकल सीखण वास्ते अकल नूं बधाउण वास्ते सब तो पहला तुसी बाहरली मिसाल लै लो कि जिस तरह बच्चा एक स्कूल च जांदा है प्राइमरी स्कूल च, उस तों अकल बधाउण वास्ते कालजां च चला जांदा है, अकल बढ़ जाए उस तू अकल बधाउण वास्ते फिर अगे यूनिवर्सिटी चला जांदा है, फिर कोई होर कोर्स करदा है कि मेरी अकल वधे, फिर उस अकल दे कोलों असी काम की लैंदे आ, इहदे बारे सानू सोचना चाहिए। जे साडी अकल वध ही गई है तो उस अकल दे पासों असी काम की लिया, कोई नेक पाक काम किया, कोई परमार्थ कमाया, कोई ईश्वर की भगती की, जिसने सानू मान तराण देना है। हजूर कई बार फरमाते होंगे सी जिन बड़े ताए उन सुख कदे नहीं पाए, बड़े संत महापुरख भी होंगे है और बड़े माता पिता भी होंगे है, वो भी बुजुर्ग होंगे है, उन्हां बजुर्गों की सेवा की कदी भी फाल नहीं जाती। उन्हां दे मुखों कोई भी लफ्ज़ जड़ा निकलेगा वह बिल्कुल पूरा हो जाता है, जदों उन्हां नूं सुख मिलेगा उन्हां दी आत्मा अंदरों शीश देगी कोई अच्छी। इस वास्ते असी अकल जिहड़ी सीखनी है
उस अकल तो असी काम लेना है। ये ना कि असी अकल सीख के बेअकले बनना है, अकल सीख के असी बेअकले बन जाइए, पशुआ वर्गे बन जाइए, कुत्तियां बिल्लियां वर्गे बन जाइए, परिंदियां वर्गे बन जाइए, कोई किसी नूं बंदा समझिए ही कुछ ना, तो अकल कदी होई की फायदा उस अकल का। संत महापुरख भी जिस तरह एक छोटा बच्चा अलफबे तो तुरदा है, इस तरह फकीर भी कमाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वो भी अपनी जिंदगी उस मेहनत विच गाल देंदे हैं, वो भी अपनी जिंदगी गाल देंदे हैं, वो भी वो पढ़ाई करते हैं, वो बाहर की पढ़ाई है, वो अंदर की पढ़ाई है, भी उस बड़ी यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, फिर वो कोर्स करते हैं, फिर उन्होंने जी पावर जी है, ताकत जी है, मजबूत होती है, फिर वो गिरते नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज जब अंदर चढ़ाई कर रहे थे, अपने देश जा रहे थे, काल ने उन्होंने रोकिया कि तुसी अगे ना जाओ, असी तुहानू सारे मुल्क दा राजा बना देंदे हाँ। उन्हां कहा नहीं, मैनू मालक भुल जाएगा, मैनू कोई जरूरत नहीं राज दी, मैं तैनू वो ताकत दे देंदा हाँ कि तू गुप्त हो जाएगा, जार भी हो जाएगा, सारी दुनिया तेरे पीछे लगेगी। गुरु साहब ने कहा नहीं, मैनू उसकी जरूरत नहीं, मैनू वो परमात्मा भुल जाएगा, तेरे पलंग दे नाल चौना पावें दे नाल चार लाल ला देंदे हाँ, और बड़ी बड़िया सोहनिया मोहनियां तेनू लिया के देंदे हाँ, तू अगे ना जा। मगर गुरु साहब ने हर गल का उन्होंने जवाब दिता, क्यों कि उन्हां दी ओ जिहड़ी सोच सी ओ मजबूत सी, ओ मजबूत सी, विचार शक्ति जिहड़ी सी ओ मजबूत सी। इत्थे सानू कोई मामूली कोई चीज़ दे तो असी परमात्मा नूं भुल जांदे आ, असी झूठियां गवाहियां देना शुरू कर देने मामूली चीज़ां दे। लेकिन गुरु साहब नूं राज भी काल ने कहा कि तेनू राज सारे मुल्क दा राजा बना देंदे हाँ, तू अगे ना जा, और तेनू ऐसी ताकत दे देंदे आ, कदी तू गुप्त हो जाए, कदी तू जाहर हो जाए, सारी दुनिया तेरे पिछे लगेगी। मगर उन्हें कहा नहीं, उन्हां दी विचार शक्ति जिहड़ी पिछे क्या है वो मजबूत सी, वो डोले नहीं। सानू भी दुनिया की पढ़ाई करके, दुनिया की अकल सीख के, दुनिया के कोर्स करके, चाहे असी अफसर बन जाइए, राजे बन जाइए, कुछ भी करिए, पर साड़ी विचार शक्ति जिहड़ी है वो मजबूत होनी चाहिए है। वो मजबूत होनी चाहिए है कि असी कोई गलत काम ना करिए, जिहदे नाल साडा कर्म जिहड़ा है वो साडा बनिया होया कर्म फेल हो जाए। तुसी कोई अच्छी चीज़ बनाओ, उहदे विच कोई गलत चीज़ सुट दिओ, कोई सारी खराब हो जाएगी। मन पक्का दुध होवे, एक छिट पै जाए गलत, कोई वो सारा खराब हो जाता है। असी ये ना समझिए कि असी जिंदगी के कोर्स कर ले, बड़े बड़े कोर्स कर ले तो ये साढ़े कैम रहेंगे ना, जब असी गलत काम करांगे साढ़े कोर्स सारे फेल हो जाते, और कुछ नहीं बन सकता। इस वास्ते फकीर भी वो पढ़ाई करते हैं जिहड़ी अंदर की पढ़ाई है, जिहदे विच वो फेल नहीं होंदे, वो दिन फेल करन वास्ते बहुत शक्तियां उन्होंने मगर लगदियां ने, लेकिन उन्होंने विचार शक्ति जिहड़ी है वो बहुत स्ट्रोंग मजबूत,
कि वो फेल नहीं आ रहे भी रहते भी इस दुनिया बिच रहते भी इस दुनिया बिच ने वो गल्लां बातां भी करते ने साढ़े नाल फिरते तुरते ने लेकिन उन्हां दी विरती जिहड़ी है वो अपने भगवान अपने परमात्मा दे नाल जुड़ी होंदी है। स्वामी जी महाराज जो कुछ बाणी च फरमा रहे हैं ठीक फरमा रहे जो शब्द नाल परचे है उन्हां नूं पता है शब्द की और इस दा फायदा की है। हाँ जी बिना शब्द मन बस नहीं तुम सुरत करो अब शब्द की बगैर शब्द की कमाई दे मन बस नहीं आएगा और तुसी जितने मर्जी है तीर्थ कर लो जग मोशे कर लो तपस्या कर लो योग अभ्यास कर लो और जो मर्जी तुहाड़ी ये काम कर लो मगर जब तक तुसी शब्द की कमाई नहीं करोगे तुहाड़े काम क्रोध लो मोह अहंकार मन माया हुमे ममता रजो तमो सतो गुण आशा तृष्णा एक कदी भी तुहाड़े काबू नहीं आने ये तुहाड़े सिर ते सवार होंगे जिधर मर्जी ये तुहानू ये लै जांदे है जो मर्जी है तुहाडे पासों कराउंदे है पर तुहानू शब्द की कमाई जब तक तुसी शब्द की कमाई ना करोगे ये मन बस नहीं आएगा। अगर जिन्हां फकीरां ने इस मन नूं बस कीता है उन्हां दिन रात शब्द की कमाई कीती दिन रात उन्हां एक कीता है उन्हां परवाह नहीं कीती उन्हां दे शरीर भी कमाई करदियां करदियां जिस तरह हजरत बहू साहब ने बाणी च फरमाया तन थी मास जुदा होया बहु लैन चलारे हड्डियां ये वाकया ही जो कुछ उन्होंने हजरत बहू साहब ने किया ये हो जाता है। जिस तरह कोई पौधा असी जमीन च लगाते हैं वो पौधा लगाते ही हरा नहीं होंदा वो पीला हो जाता उसकी ताकत बहुत कमज़ोर हो जाती और जदों उसनू जमीन का रस मिलता है ज्यों ज्यों उसनू रस मिलेगा उसकी ताकत बढ़ना शुरू हो जाएगी और फिर वो अपने रंग विच आ जाएगा। हजरत बहू साहब जी जो बाणी च फरमा रहे और ठीक फरमा रहे और फरीद साहब की बाणी भी सबूत देती है कि जदों फरीद साहब जी बंदगी करद्या करद्या बेहोश हो गए इतने बेहोश हो गए इतने कमज़ोर हो गए कि काग उन्होंने शरीर ते बैठ गया उन्होंने मांस खाण वास्ते। काग एक दुनिया विच जितने भी परिंदे है सब तो ज़्यादा चलाक है एक बार वो थले चुंझ मारदा है 15 बार अगे पिछे देखता है और उस वक्त उस काग नू की मालूम होया की देखिया होगा उसने मुर्दा देखिया होगा कि मुर्दा है जिंदा नहीं ये मरिया है। जब उसके शरीर ते बैठ गया ते फरीद साहब ने आवाज दीती हो कागा तू मेरे शरीर का मांस खा लै पर मेरिया अखा ना छेड़ी इन अखा दे नाल मैं अपने महबूब नू देखना है। फिर दूजी बार क्या हो कागा जिस शरीर ते तू बैठा है देखी किते इस शरीर नू छेड़ी ना इहदे विच मेरा भगवान मेरा मालक मेरा खुदा बसदा है इहदे विच ही मेरा खुदा बसदा है इस कोठे नू ढाई ना उन्हां किसे होर चीज विच नहीं दस्या ऐसे शरीर दे विच उस मालक नू सबूत कीता। जो कुछ भी गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे। हाँ जी
बिना शब्द मन वसे नहीं, तुम सुरत करो अब शब्द की। वे क्यों आए इस जगत में, जिन मिली ना पूंजी शब्द की। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, वह क्यों आए इस जगत में। भाई इस जगत विच क्यों रूंगा आई हैं, जिन्होंने वो शब्द का राह रास्ता नहीं मिलिया, जिन्होंने वो शब्द की कमाई नहीं की, जिन्होंने उस राशि का चक्कर कटिया नहीं, उन्हों का दुनिया च आने का की फायदा होया। वो क्यों आए, कई बार हजूर फरमाते होंगे सी जे किसी की लाटरी निकली है कि उसने रस्ते विच ही उसनू उस माया नू खर्च दिता है, शराबा पी लिया, कंजरा कर सुट दिती है, जुआ खेल लिया, घर तक पहुँचया ही नहीं, तो की फायदा उस लाटरी का, ये नालों ना निकलती तो चंगी ही। इस तरह जे सानू ये जन्म मिलिया तो इस जन्म का असी फायदा की लिया, जे असी उस मालक की भगती नहीं की, अपना 84 का गेड़ मकाया ही नहीं, जो सानू अगे दुख आने हैं तो असी कादे वास्ते आए, की कीता आके असी। स्वामी जी महाराज जो बाणी जी फरमा रहे ठीक फरमा रहे है, वह क्यों आए इस जगत में, जिन्हों मिली ना पहुंची शब्द की, जिन्हों शब्द का राह रस्ता नहीं मिलिया, शब्द की कमाई नहीं की, वो जे दुनिया ते आए जे नहीं आए। दुनिया ते होर भी जीव आए, कुत्ते बिल्ले भी आए है, कीड़े मकोड़े भी आए है, पशु परिंदे भी आए है, उन्हां दे भी तियां पुत्र होए है, वो भी दुनिया ते गुजारा करके चला गए है जी। असी भी इस तरह बगैर बंदगी दे असी भी चला गए, तो साडा ते उन्हां दा की फर्क होया, साडा उन्हां दा की फर्क है। साडा यही फर्क है, जे असी परमात्मा की भगती करिए और ईश्वर का नाम जपिए और उस 84 के चक्कर चो निकल जाइए, ताकि बारंबार सानू कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे ना बनना पाए, फिर असी इंसानी जामे का कुछ ना कुछ फायदा लिया, इहदा कोई फायदा नहीं। बंदा बंदगी का नहीं तो खैला गंदगी का, ये बंदा जेड़ा बंदा ता ही है जे बंदगी करेगा, जे ना करेगा तो की है बंदा, कुछ भी नहीं है। हर बंदे का कम जेड़ा वो कम ही उसकी शोभा है, कम ही उसकी उसका असली रिकॉर्ड है कि है तू परमात्मा के घर भी उसका कम ही जाके उसने कम ने ही फायदा देना है। जे नेक पाक कर्म करेगा तो ईश्वर दे घर भी उ फायदा दे। हाँ जी, वे क्यों आए इस जगत में, जिन मिली ना पूंजी शब्द की। तुन कट में हर दम हो रही, क्यों सुने न बाणी शब्द की। उस शब्द नू स्वामी जी महाराज तुन करके फरमाउंदे है, वो साडे अंदर 24 घंटे आ रही है। तुन कट में स्वामी जी महाराज फरमा रहे है कि हर दम हर वक्त हर घड़ी आ रही, तू क्यों नहीं उसनू सुनदा, तेरे अंदर आ रही है, तू जब तक उस बाणी नू सुनेगा नहीं तेरी कल्याण नहीं होएगी। पर जिन्हां दे अंदर वो बाणी आउंदी वो 24 घंटे उसनू सुनदे है और उस तू बिछड़दे नहीं, शब्द मिले ना बिछड़े, फिर के अंग समाए,
जदों उस शब्द दे नाल मिलदे है वो फिर विछड़दे नहीं। लखां तूफान दुनिया दे आउंदे है, लखां उन्हां नूं मुश्किल आ जांदियां ने, लेकिन उन्हां मुश्किलां दे नाल मुकाबला करदे है, वो गिरदे नहीं और उस शब्द नूं विछड़दे नहीं। एक दिन अपने मालक दे पास चले जांदे, अपने मालक दे नाल मिल जांदे। स्वामी जी महाराज जो कुछ बाणी च फरमा रहे हैं ठीक फरमा रहे हैं कि वह धुन तेरे घट दे विच दिन ते रात आ रही। हजरत बहू साहब ने बाणी च फरमाया है, शब्द ने सानू इश्क ने सानू लिसियां जानता, बैठा आन मुआड़ी हो ना सौवे ना सौण दे जिमें बाल रियाड़ी। जिस तरह एक छोटा बच्चा रोंदा है वो चुप नहीं करता, उन्हें आम घर दे कहंदे रियाड़ पड़ गया, हुण इसने चुप नहीं करना, इसने अपना दौर पूरा करके चुप करना। इस तरह हजरत बहु जी समझ अपने बाणी दे विच फरमाउंदे है कि मेरे अंदर वो शब्द वो बाणी जिहड़ी आ रही है धुन आ रही है वो इतनी आ रही है कि ना वो आप सौंदी है ना मैनू सौण देती, ना वो सौंदी है ना सौण देती है, वो 24 घंटे अंदर आ रही है। उस शब्द दे बारे स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि भाई वो धुन तेरे अंदर आ रही है, तू क्यों नहीं उसनू सुनदा, उहदे वास्ते जंगलों पहाड़ों च नहीं जाना, उहदे वास्ते दरियावां मूर्तां च नहीं जाना, उस दे वास्ते किसी होर जगह नहीं, तू 2-2.5 घंटे जिस तरह संत महापुरख तरीका दसदे है, जिहड़े शब्द जिन्हां दी शब्द की कमाई कीती है जिन्हां ने, उह तैनूं जो भी दसदे है उस तरीके नाल बैठण दी कोशिश कर और उस शब्द नूं सुन। जब तू उस शब्द नूं सुनेगा तो तेरी रूह आत्मा उसके नाल जद मिल जाएगी, वो शब्द सचखंड देश चू आउंदा है और जांदा है। एक दिन जरूर तू भी अपने देश चला जाएगा। जितने भी संत महापुरख आए है उन्होंने उस ताकत का इशारा दिता है। हाँ जी, धुन घट में हर दम हो रही क्यों सुने न बाणी शब्द की, तू बैठ अकेला ध्यान तार तो मिले निशानी शब्द की। स्वामी जी महाराज तरीका भी दस रहे है कि महफलां दा काम नहीं है, ये पार्टियां दा काम नहीं है, तू बैठ अकेला ध्यान तार तो मिले निशानी शब्द की। ऐ पुरुष तू कला बैठ, कला बैठ के ध्यान तार तो फिर तैनू कुछ ना कुछ शब्द की निशानी मिलेगी। पर रोज रोज बैठ, रोज रोज कोर्स कर, ये महफलों का काम नहीं कि असी महफलों च बैठ के उस शब्द नूं सुन सकांगे, पार्टियां च बैठ के सुन सकांगे, नहीं। जो स्वामी जी महाराज बाणी च फरमा रहे है वो अपने तजर्बे दस रहे है कि अगर उस शब्द नूं तुसी सुनना है ते तुहानूं कल्या बैठना पएगा और कल्या बैठ के वो ध्यान धरना पएगा, अंदर ध्यान धरो। हाँ जी, तू बैठ अकेला ध्यान तार तो मिले निशानी शब्द की, ताज आलस निंद्रा काली तू लगन लगा ले शब्द की। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है, साड़ी लगन जेड़ी है, लगन एक प्यार नू कहा जांदा है, जे साड़ी लगन किसे चोरी नू लगी है
तो दिन रात चोर जागदा नहीं, उन्हें नींद आती है। लोग सुते होंगे और जागदा होंदा है। किसी काम की साड़ी लगन है कि असी वो काम ते सौंदे हैं जाके। गुरु साहब जी फरमाते हैं कि तू लगन लगा लै और शब्द और शब्द के नाल प्यार पा लै और शब्द की मेहनत कर, ते आलश और निंद्रा ते काली तज दे। ये बहुत बड़िया बीमारियां ने जिहड़ियां सानूं भजन सिमरन तो पिछे रखदियां। सानूं आलश आ जांदा है, वक्त भी होंदा है भजन दा, साडा राधा भी होंदा है बैठण दा, राधा भी होंदा, असी सोचदे भी हाँ कि असी भजन बैठना है, तो आलश सानूं ऐसा एक जंजाल पा लैंदा है कि अजे तो रात ही बड़ी है, बैठ रहे हाँ कोई गल नहीं हैगी। चलो फिर असी उधरों नींद आ जांदी है, वो नींद अपना दौर पूरा कर लेंदी है। जब नींद आ गई उधरों दिन चढ़ जाता है, दिन मुक गया, फिर सानू काली पै गई दुनिया के कमां दी। फिर असी बहुत सारे प्रेमी की करते हैं, फोटो हर घर च लगे होंदे है, असी जाके फिर हर बंदे नू जो जिदे पास नाम है उन्हों थोड़ी बहुत चिंता तो होंगी है कि मैं भजन नहीं किया, आज रात मेरी इदा लंघ गई है। फिर असी फोटुआ का अगे फरियाद करते हाँ, सच्चा पातशाह अज तो नहीं तो कल मैं जरूर भजन करांगा, अज माफ़ी दे दे, अज नहीं मेरा टाइम लगा तो कल जरूर मैं बैठागा, अज तू माफ़ी दे दे। ये असी जाके बेनतियां करते हैं, माफिया मंगते हैं। फिर भाई नहीं, सानू रोज़ दा रोज़ साडा जिहड़ा दिन लंघ गया लंघ गया, वो मुड़ के साडे पास नहीं आना। साडी जिंदगी दा कट गया दिन, वो साडी जिंदगी च किदा जिदा 100 रुपया दा 1 रुपया बिचों निकल गया, 100 किदा बनेगा? 100 बन नहीं सकता, 99 रह गए। वो 100 बन नहीं सकता, असी कहीए 100 बन जाए किदा बन जाएगा? जिहड़ा साडी जिंदगी चों दिन लंघ गया वो लंघ गया, वो कट गया। इस वास्ते संत कहिंदे आ कि जल्दी तो जल्दी जिहड़ियां रातां सतगुर बिन गुजारियां वो रातां मुजरे नहीं, वो रातां आउणियां, वो तेरियां रातां लिखत विच नहीं आउणियां। तू कुछ ना कुछ उन्हां रातां दा फायदा लै, उठ के ध्यान धर उस परमात्मा दा, कुछ ना कुछ फायदा लै। जितना भी टाइम लगता है तू उधर लाने की कोशिश कर। हाँ जी, ताजे आलस निंद्रा काली तू लगन लगा ले शब्द की। साड़ी लगन विच ही फर्क है, प्यार विच फर्क है। जे साड़ी पूरी लगन लगे फिर सानू नींद भी नहीं आउंदी और आलस भी नहीं आउंदा। जे साड़ी पूरी लगन होवे तां हाँ जी। पांच शब्द कट में बजे ये निरने कर ले शब्द की। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, पांच शब्द कट में बजे तू निर्णय कर लै शब्द की। हुण इत्थे सवाल पैदा हुंदा है कि जे साडे अंदर पांच ही शब्द ने तो असी निर्णय की करना उन्हां दा? नहीं, साडे अंदर शब्द होर भी बड़े है, वो तत्तां दे शब्द ने। अंदर शब्द तत्तां दे शब्द अंदर आ रहे है। जिस तरह असी किसी मेले विच शहर बाजार जाते हाँ जां किसे मेले विच जाते हाँ तो मारे मारे असी फिरदे हाँ, जदों साडा कोई वाकबकार बंदा लभदा है असी उहदे पास खलो जाते हाँ। हज़ारां बंदियां दे विचों असी उस बंदे दी पछाण कर लैंदे हाँ। इसे तरह हज़ारां आवाज़ां जिहड़ियां ने तत्तां दियां आ रही ने,
जिहड़ियां साणू कोई फायदा नहीं दे सकदियां वो खत्म होने वालियां ने, उन्हां दी मन्याद बहुत थोड़ी है, छोटी है। उन्हां बाजां दे विच ही वो पंज जिहड़ियां शब्द ने जो स्वामी जी महाराज फरमा रहे ने, जिन्हां नूं असीं निर्णय करना है, वो शब्द उन्हां दे विच ही ने। पर उन्हां दे विचों असीं उन्हां शब्दां नूं तालना है, उन्हां दे वल असीं ध्यान करना है। जदों सानू वो शब्द हो आ जाण, फिर असी उन्हां दा ध्यान करना, उन्हां नूं सुनना, उन्हां नूं छड्डना नहीं। जो गुरु साहब जी बाणी जी फरमा रहे, ठीक फरमा रहे ने कि वो तेरे अंदर आ रहे शब्द और तू उन्हां नूं निर्णय करना है। बेशुमार तत्तां दी आवाज़ां आ रही ने कि जिन्हां आवाज़ां नूं सुन के जोगी जगीचर साहब जाने भुल गए और मस्त हो गए, लेकिन उन्होंने आवाजा ने उन्होंने वापस मुड़ के पिछा लिया, उन्होंने अगे नहीं गए। जे कभी वो सच्ची आवाज न सुनते, उस सच्चे शब्द नाल प्यार होंदा, तो फिर वापस नहीं आते। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी जिन्होंने तपस्या की, कई बार हजूर फरमाते होंगे, एक ऋषि ने एक दरिया टपना सी ते मलाह नूं कहा कि मैनू दरिया टपा दे। उधर मलाह की लड़की आई रोटी लैके, मलाह ने कहा खाना खा के फिर मैं टपाऊंगा, वो कवे मैनू जल्दी टपा दे। मलाह की लड़की ने कहा कि पिता जी मैं छड आउनी हाँ, जो माँ प्यो काम करते धियां पुत्र भी करते हैं। जदों वो दरिया के विच लड़की लैके किसी गई तो ऋषि बेईमान हो गया, क्योंकि मन बस नहीं आया, वो रिधियां सिधियां सी, शब्द की लज्जत नहीं। जे शब्द की लज्जत लई होंदी तो फिर ये बाहरलियां लज्जतां जिहड़ियां इधर नहीं सी जांदा। उस लड़की ने कहा और ऋषि ये जल देवता देखता है, गवाही देगा दरगाह च साड़ी। ते ऋषि ने सराफ दे के वो बरेती कर दिती। देखो केडी वड्डी ताकत रिधियां सिधियां दी, पर मन नूं नहीं थम सकिया। एक दरिया की बरेती बना दिती, लेकिन मन नूं नहीं थम सकिया। और इसी ये सूरज देवता देख रहा, ये साड़ी गवाही देगा दरगाह च, जा तंदू तारा हो जा। सूरज जड़ा सी तंदू तारा हो गया, सूरज छप गया शराफ दे नाल, रीधियां सीधियां दे नाल, पर मन नूं नहीं थम सकिया। और इसी असी मच्छियां खाने वाले माछी होने, साढ़े मुँह चो बड़ी बदबू आती है, उन्हें शराब दिता जा, जो जन गंधारी हो जा तेरे मुँह चो, बाशना आना शुरू हो गई, लेकिन मन नूं वस नहीं किया, मन नूं नहीं थम सके। जो गुरु साहब जी बाणी जी फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है, बगैर शब्द की कमाई दे ये मन वस नहीं आ सकता। जितने मर्जी कोई तपस्या कर ले, कोई जग मोशे कर ले, तीर्थ यात्रा कर ले, जिन्ने मर्जी ज्ञान कर लवे, ये मन बस नहीं आएगा। मन बस करने वास्ते इसकी कोर्स की जरूरत है, जिंदगी की जरूरत है, कि जिंदगी का कोर्स चाहिए, फिर भी मुर्शद के कहने मुताबक अपनी मर्जी नाल नहीं। वो मुर्शद भी शब्द व्यासी होवे, जिसने शब्द की कमाई की होगी, उहदा आसरा लै के तुरे सिख फिर बच सकदा है, जे अपने आप कहे तो फिर नहीं। ये मुर्शद आसरा लै के तुरे। हाँ जी, पांच शब्द कट में बजे ये निर्णय कर ले शब्द की, गुर ज्ञान बताया
शब्द का तू हो जाते आनी शब्द की। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं कि सतगुर ने इस शब्द का ज्ञान तेन पूरा दस देता है, पूरा तरीका दस देता है। तू ध्यानी हो जा शब्द की, तू शब्द का ध्यान कर, अंदर कर, बाहर नहीं। वो शब्द तेरे अंदर आ रहा है, 24 घंटे आ रहा है। हाँ जी, गौर ज्ञान बताया शब्द का तू हो जा ध्यानी शब्द की। मैं शब्द शब्द बहुत कहा कोई न माने शब्द की। गुरु साहब जी बड़े अफसोस दे नाल फरमा रहे है, जिस तरह कोई बुजुर्ग सियाना बंदा घर दे विच अपने बाल बच्चे नूं समझाउंदा है, जदों ना मनदे बड़े अफसोस नाल कहिंदा है कि भाई मैं ते तुहाडे वास्ते कहिंदा कि तुसी अगे वास्ते सुख लाओ, मेरी सिक्ख्या लाओ और सिक्ख्या ते तुरो और तुसी सुख लाओ। साडा ते वक्त हो चुका, साडा वक्त हो चुका, क्योंकि वह बजुर्गों ने अपनी जिंदगी विच दुख सुख बहुत देखिया होंदा, गरीबी मेरी देखी होंदी है। इस वास्ते वो अगली अंसा नूं समझाउंदे है कि साडे आखे लगो, साडी सिक्ख्या दे चलन की कोशिश करो और तुसी सुख लाओ। इस तरह स्वामी जी महाराज बाणी च फरमा रहे हैं कि मैं शब्द शब्द बहु तक कहा, कि मैं शब्द बहुत कहा, बड़ा कुछ किया है, पर कोई शब्द ही मानदा नहीं, कोई मानदा नहीं। बड़े अफसोस नाल स्वामी जी महाराज फरमा रहे। हाँ जी, मैं शब्द शब्द बहुत कहा कोई न माने शब्द की। जन्म अकारथ खो दिया जो चढ़े ना काटी शब्द की। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि उस जीव ने अपना जन्म बर्बाद कर देता, जन्म अकारथ खो दिया जो चढ़े ना काटी शब्द की। भाई उन्हें जन्म बर्बाद कर देता जेडे उस शब्द के काट पर नहीं पहुंचे, वो 84 का चक्कर नहीं मुका सके, उन्हें अपना जन्म बर्बाद कर देता, उन्हें इस जन्म का कोई फायदा नहीं लिया। जे दुनिया के कुत्ते बिले कीड़े मकोड़े आए, पशु परिंदे आए, वैसा इंसान भी तुर के चला गया। एक फकीर ने फरमाया, हर एक जो भी दुनिया से पैदा होया है उन्हें विच एक एक आदत है, तो इस बंदे विच सारिया ने, ये विच सारिया ने, पर सवाए उस मालक दी बंदी दे इहदा इहदी कल्याण नहीं हो सकदी, ये बच नहीं सकदा। जो कुछ गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे है ठीक फरमा रहे है, ये जन्म आकारत खो दिया, कोई फायदा नहीं लिया जन्म दे। की काम करना सी असी इस जन्म दे विच और की असी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा बड़ी वड्डी हस्ती बड़ी वड्डी ताकत हो के ते फिर भी इसने अपने आप दी पहचान नहीं की थी कि मैं की हैगा, फिर भी अपने आप दी इसने पहचान नहीं की थी। यीशु मसीह ने इसे वास्ते फरमाया है कि तू पहले अपने आप दी पहचान कर, नो दाई सल्फ, उन्हें अंग्रेजी च क्या है कि तू पहचान ते कर मैं है की हाँ, ते तू पहचान करदा ही नहीं कि मैं है की है, तो फिर तू कुछ भी नहीं हैगा। हाँ जी,
जन्म आकार थे खो दिया, जो चढ़े ना काटी शब्द की। राधा स्वामी कह कह चुप हुए, बिन पाग ना तारा शब्द की। स्वामी जी महाराज शब्द समाप्त करते हुए बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे, राधा स्वामी कह कह चुप हुए, बिन भाग न तारा शब्द की। संत फिर भी कुछ ना कुछ गुंजाइश रखते है कि भाई बगैर भागा दे, बगैर कर्मा दे शब्द की कमाई नहीं कर सकता, ना वो फायदा ले सकता है। इसका कर्म भी चाहिए है। सो कर्म ना करन दा है, जे असी करांगे कुछ तो साडा कर्म बनेगा। असी इदा बैठे रहिए सानू कितने पैसे मिलते हैं, असी कोई काम करते हैं तद सानू पैसे मिलते हैं, चाहे असी कोई भी काम करते हैं, जिमीदारी जमीना पाउंदे है, जिमीदारी करते हैं, उहदे विचों फसल हुंदा है, दाना फक्का हुंदा है, मिलता है, कोई दुकानदारी करता उहदे विचों वह फायदा लैंदा है, कोई नौकरी करता उहदे विचों वह फायदा लैंदा है। जे हम कहे भी सड़क च बैठा रहना तो मैनू फायदा मिल जाए, किस तरह मिल जाएगा? कर्म ना करन दा है। असी साध संगत विच आईए, साध संगत विच साडा एक कर्म बनता है। हजूर कई बार फरमाते होंगे सी कि साध संगत एक ऐसी चीज है कि जिस तरह कोई दाने की बोरी का मूँह खोल दो तो वह सारी नू खलार दो तो दाना दाना जड़ा ना वो हो जाता, मुड़ के बोरी नहीं बनती। जे तुसी कहो कि उन्होंने उस कट्ठे करके ते दाने की बोरी मुड़ के असी उहदा मूँह बन दईए तो पूरे क्वांटल की बोरी बन जाए, वो नहीं बन सकती। क्यों? वो बन नहीं सकती, दाना दाना खिलर गया, पता नहीं किधर किधर चला गया, कोई जानवर चुक के लै गया, कोई कोई लै गया, कोई कोई लै गया, वो बन नहीं सकती। मकान नवे नी देो मुड़ के कहो भी ये मकान मुड़ के उस मटीरियल नाल असी बना लैने, वह बन नहीं सकता। इस तरह साध संगत एक ऐसा समुंदर है कि जिदे विच आ के साडे कर्म जिहड़े है वो नाश हो सकते, साडा कपड़ा साफ हो सकता है, साडियां कई भावना दिल दियां जिहड़ियां ना वो जा सकदियां ने, वो सिर्फ एक साध संगत दे विच। साध संगत दे विच कर्म साडे खिंड मिट जांदे है, नाश हो जांदे है, वो कर्म साड़ी गठड़ी जड़ी बजी है वो गठड़ी नहीं रह सकती। हजूर कई बार फरमाते होंगे सी कि शहर के गंदे नाले जिन्हां दे विच कोई हाथ पैर नहीं लगाता, ना कोई बर्तन विच आउंदे है, वो पानी जड़े गंदे होंदे है, पर जो तो बड़े समुंदरां विच चला जाते हैं, बड़े दरियावां चला जाते हैं, उन्हां दा नामो निशान नहीं रहिंदा, वो दरिया बन जाते हैं, उन्हां दी कोई मैल नहीं रहिंदी। इस तरह साड़ा कर्म जेड़ा अच्छे कर्म बनाने वास्ते सानू साध संगत की जरूरत है। संगत ही सानू गाल सकती है, संगत तार सकती है। अगर असी पैड़ी संगत दे विच रल जावांगे सानू पैड़ा बनना ही पएगा, वो पैड़ा बन जावांगे। जे चंगी संगत विच आवांगे असी चंगे बन जावांगे। ये संगत दे मनसर सब कुछ, संगत ऐसा समुंदर है जेड़ा साड़ी मैल सारी साफ कर देगा और वो चंगा बन सकता बनता। इत्थे साड़ा कर्म बन सकता है, जो स्वामी जी महाराज बाणी जी फरमा रहे हैं ठीक फरमा रहे हैं। जब साड़ा कर्म बन जाएगा फिर असी शब्द की कमाई भी करांगे, फिर साड़ा सतगुरु नाल भी प्यार होएगा, साध संगत नाल प्यार होएगा, फिर सानू अपने आप का भी पता लग जाएगा कि असी करना की चाहिए ते की करने वास्ते असी आए हैं और की कर रहे हैं, ये भी सानू समझ आना शुरू हो जाएगी। हाँ जी।
राधा स्वामी कह के चुप हुए, बिन पाग न तारा शब्द